alone had always felt like an actual place to me, as if it were not a state of being, but rather a room where I could retreat to be who I really was. Hey guys, ISAF, yani interesting stories and facts mein swagat hai aapka. Facts, wherever you see. मैं हूं आपका होस्ट और नरेटर गुनूर तूर और आप देखने जा रहे हैं डार्क हॉर्स कॉमिक्स द्वारा प्रस्तुत नॉर्थ माइथोलॉजी पार्ट टू स्टोरी एक्सप्लेन्ड और इस पार्ट का नाम है द ट्रेजर्स ऑफ द गॉड्स। इस पार्ट में हम देखेंगे कि ड्वार्फ्स क्राफ्टमैन इवाल्डी के बेटों और ब्रॉक और ईटरी ने देवताओं के लिए कौन से उपहारों का निर्माण किया था, कैसे लोकी ने ब्रॉक को तंग कर उसकी क्रिएशंस में बदलाव किए और क्या ब्रॉक लोकी का सर कलम करने में कामयाब हुआ या नहीं। एवरीथिंग इन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ इट टू नो मोर अबाउट द स्टोरी लाइन ऑफ नॉर्थ माइथोलॉजी। अन्य रोमांचक कॉमिक बुक स्टोरीज को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ वीडियो। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोकी ब्रॉक और ईटरी को अलविदा कहता है और उन्हें देवताओं के लिए ट्रेजर्स को बनाने के लिए अकेला छोड़ देता है। और जब इवाल्डी के बेटे देवताओं के लिए ट्रेजर्स को बना रहे थे तो लोकी उनके लिए चिंतित नहीं था, मगर वह तो ब्रॉक और ईटरी से डर रहा था और वह ये सुनिश्चित कर रहा था कि वह दोनों भाई इस कॉन्टेस्ट को ना जीत पाए। दूसरी तरफ ईटरी ब्रॉक को कहता है कि मैं इस सुअर की चमड़ी को इसी तरह के जरूरी काम के लिए संभाल रहा था, तुम यहां नीचे इस धोकनी को संभालो और मैं ऊपर जा रहा हूं काम को पूरा करने के लिए, जिस पे ब्रॉक मान जाता है। ईटरी कहता है कि मुझे ये धोकनी लगातार गर्म चाहिए, नहीं तो ये काम पूरा नहीं होगा, इसीलिए इसे पंप करते रहना। ब्रॉक धोकनी के काम को संभाल लेता है। जाते हुए ईटरी फिर ब्रॉक को कहता है कि अपने हाथ धोकनी से मत हटाना। और तभी ईटरी के पास से होते हुए लोकी एक मक्खी के रूप में धोकनी वाले रूम में एंटर हो जाता है। ब्रॉक अपने काम पर लग जाता है। वह ऊपर ईटरी को फॉर्ज में उसके हैमर के साथ काम करते हुए सुन पा रहा था। ईटरी सुअर की चमड़ी को किसी तरह से तोड़ मरोड़ रहा था और भर रहा था। ब्रॉक खुद को याद दिलाता है कि उसको लगातार पंप करते रहना होगा। और तभी मक्खी बना हुआ लोकी उसके हाथ पर आकर बैठ जाता है। वह उसे जोर से काटता है। दर्द में ब्रॉक चिल्ला देता है, मगर वह पंप करने का काम नहीं छोड़ता। कुछ समय बाद ईटरी अपने काम को खत्म कर ब्रॉक के पास आता है। उसके हाथ में एक सोने का बना हुआ सुअर होता है। ब्रॉक उस गोल्डन बोर को देखकर चौंक जाता है और ईटरी को शाबाशी देता है। ईटरी भी ब्रॉक को शाबाशी देते हुए कहता है कि आग अगर थोड़ी सी भी ज्यादा या कम होती तो सारा का सारा काम और समय नष्ट हो जाता। दूसरी तरफ लोकी ब्रॉक और ईटरी की इस अचीवमेंट से निराश हो जाता है। इसके बाद ईटरी एक गोल्डन ब्लॉक को हाथ में लिए ब्रॉक से कहता है कि देवताओं को ये उपहार जरूर ही अच्छा लगेगा। अब तुम फिर से धोकनी को जलाओ और चाहे कुछ भी हो जाए मगर पंपिंग को धीमा या तेज मत करना और रुकना तो बिल्कुल भी नहीं। और ब्रॉक ईटरी की इस बात को सुन एक बार फिर से काम पर लग जाता है। लोकी फिर से ईटरी के काम को खराब करने के लिए ब्रॉक के पास आ जाता है और इस बार वह ब्रॉक को गर्दन पर काटता है। दर्द में ब्रॉक फिर से चिल्ला उठता है, मगर वह अपने काम को जारी रखता है। ईटरी फिर से नीचे आता है और उसके हाथ में एक सोने से बना हुआ ब्रेसलेट होता है। वह ब्रॉक को कहता है कि यह ड्रॉप नियर है। ब्रॉक द ड्रेपर नाम को सुन हंस पड़ता है और कहता है कि एक आम रिंग के लिए ये एक अजीब नाम है, जिसपे ईटरी कहता है कि इसके लिए ये कोई अजीब नाम नहीं है और जल्दी ही तुम्हें पता लग जाएगा कि ये एक बेहद खास आम रिंग है। फिर एक और चीज को हाथ में लेते हुए ईटरी कहता है कि अब बारी है मेरे मास्टर वर्क की।
और ये बेहद ट्रिकी होगा। तो इसके लिए तुम्हें सिर्फ ये करना है कि, और तभी ब्रॉक ईटरी को बीच में रोक देता है और कहता है कि मुझे पता है कि मुझे अच्छे से पंप करना है और रुकना नहीं है। ईटरी ब्रॉक की इस बात से प्रसन्न हो जाता है, मगर वह फिर से फॉर्ज में जाते हुए ब्रॉक को याद दिलाता है कि बिल्कुल भी रुकना नहीं, वरना सारा काम नष्ट हो जाएगा। ब्रॉक ईटरी के हैमर की आवाज को सुनते ही पंप करना शुरू कर देता है। वह सुन पा रहा था कि ऊपर ईटरी किसी चीज को शेप, वेल्ड और जोड़ रहा था। पास में बैठा हुआ लोकी कहता है कि अगर देवताओं को उसका मास्टरपीस पसंद आ गया तो मुझे अपने सर को खोना पड़ेगा, अब मेरे पास और समय नहीं है। इस बार लोकी ब्रॉक के माथे पर आकर बैठ जाता है और उसे जोर से काटता है, मगर ब्रॉक दर्द को सहते हुए पंप करता रहता है। फिर लोकी ब्रॉक को कई बार काटता है, वह उसे उसकी आंख के पास काटता है, जिससे कि ब्रॉक परेशान हो जाता है और वह पंप को बीच में ही रोककर मक्खी पर हमला कर देता है, मगर लोकी तेजी से वहां से बच निकलता है। इतने में ही ईटरी भी अपना काम खत्म कर ब्रॉक के पास आ जाता है। वह ब्रॉक से गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम किसके साथ खेल रहे थे, मगर अंत में टेम्परेचर इसके चरम पर चला गया था और वह उसके थोड़ा भी निकट नहीं था जितना कि मैंने सोचा था। अभी ईटरी ब्रॉक से बात कर ही रहा होता है कि लोकी फिर से वहां पर आ जाता है और वह ड्वार्फ भाइयों से पूछता है कि क्या वह कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हैं। ईटरी लोकी को कहता है कि ब्रॉक एस्गार्ड जाएगा और मेरे उपहारों को देवताओं के सामने पेश करेगा, क्योंकि मुझे अपने फौज से बाहर जाना पसंद नहीं है। गुस्से और खून से भरा हुआ ब्रॉक लोकी को कहता है कि मैं तुम्हारे सर को काटने के लिए उत्सुक हूं लोकी। इसके बाद हम देखते हैं कि एस्गार्ड में लोकी इवाल्डी के बेटों और ब्रॉक और ईटरी की बनाई गई चीजों को देवताओं के सामने पेश करता है। ओडिन लोकी से पूछता है कि आखिर आज हम किन चीजों को जज करने जा रहे हैं, जिस पे लोकी कहता है कि खजाने को। इवाल्डी के बेटों ने आपके लिए कुछ उपहारों को तैयार किया है और ब्रॉक और ईटरी ने भी। मैं खुद आपके सामने इवाल्डी के बेटों के द्वारा बनाए गए उपहारों को पेश करूंगा। और ये कहते हुए लोकी ओडिन को इवाल्डी के बेटों का पहला गिफ्ट दिखाता है, जो कि एक स्पीयर होती है। वह कहता है कि इस स्पीयर का नाम है गंगनियर। इसकी खासियत ये है कि इसका निशाना कभी भी नहीं चूकता है, और सबसे जरूरी बात ये है कि अगर कोई इस स्पीयर को पकड़कर कसम खाता है तो वह देवता या इंसान उसे तोड़ नहीं सकता है। ओडिन को गंगनियर बेहद पसंद आता है। इसके बाद लोकी सबके सामने गोल्डन हेयर वाली विग लाता है और वह कहता है कि ये विग असली बालों की तरह ही काम करती है, जिसपे थॉर कहता है कि मैं इस बात की पुष्टि करूंगा। वह सिफ को बुलाता है और उसे कहता है कि वह सभी को दिखाए कि लोकी ने उसके साथ क्या किया था। सिफ सभी को अपना गंजा सर दिखाती है, जिसे कि सभी देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर वह उस गोल्डन विक को पहनती है। वह विक खुद को उसके स्कार्फ के साथ जोड़ लेती है और फिर उसे पहनने के बाद वह सबके सामने आती है। उस गोल्डन विक के साथ वह पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। थॉर लोकी के इस तोहफे से खुश हो जाता है और सिर्फ अपने नए सुनहरी बालों को लहराते हुए हाल से बाहर धूप में चली जाती है। फिर लोकी तीसरे उपहार को निकालता है, जिसे कि वह फ्रे को दिखाता है। फ्रे कहता है कि ये तो सिर्फ एक स्कार्फ लग रहा है। लोकी कहता है कि ये स्कार्फ ही है, मगर जब तुम इसे खोलोगे तो तुम पाओगे कि ये एक शिप है, जिसे कि स्किड ब्लैडनियर कहा जाता है। हालांकि ये बेहद बड़ी शिप है, जो कि तुम्हारी सोच से भी परे है, मगर तुम इसे एक कपड़े की तरह फोल्ड भी कर सकते हो और इसे अपने पाउच में रख सकते हो। फ्रे उन तीनों उपहारों को देखकर बेहद खुश हो जाता है, मगर इसके बाद वह ब्रॉक का नाम लेता है। ब्रॉक लोकी को धक्का देते हुए अपने पहले उपहार को ओडिन को दिखाता है। वह ओडिन को कहता है कि ये एक आर्म रिंग है, जिसे कि ड्रॉप नियर कहा जाता है, और हर नौवीं रात को इसके जैसी दिखने वाली 8 और अन्य आर्म रिंग्स इसमें से पैदा हो जाएंगी
और ऐसा सदा ही चलता रहेगा। आप उन रिंग्स को लोगों को उपहार के रूप में दे सकते हो और अपने पास भी रख सकते हो, जिससे कि आपकी वेल्थ और भी बढ़ जाएगी। ओडिन उस आम रिंग को पहन लेता है और उसे एक अच्छा उपहार बताता है, जिसे कि लोकी देखकर गुस्सा हो जाता है। ओडिन ब्रॉक को अगला उपहार दिखाने के लिए कहता है। ब्रॉक उस उपहार को फ्रे को भेंट करता है। वह फ्रे को बताता है कि ये एक गोल्डन बोर जो कि तुम्हारे रथ को खींचेगा। ये आसमान में किसी भी घोड़े से तेज दौड़ सकता है। इसके गोल्डन ब्रिसल्स रात को अंधेरे में रोशनी करेंगे और ये कभी भी नहीं थकेगा। फ्रे को भी ब्रॉक का उपहार पसंद आता है। निराश होते हुए लोकी कहता है कि एक जादुई शिप जो कि एक कपड़े की तरह फोल्ड भी हो सकता है, वह एक चमकने वाले सुअर से तो कई दर्जे अच्छी है। फिर वह सोचता है कि जैसे कि उसने पहले ही ब्रॉक और ईटरी के तीसरे उपहार को तोड़फोड़ दिया था, इसीलिए उसका सर सही सलामत ही रहेगा। फिर ब्रॉक थॉर को उसका तीसरा उपहार भेंट करता है। वह एक हैमर होता है जिसे कि वह मेजोनियर के नाम से पुकारता है। वह कहता है कि ये लाइटनिंग मेकर है। थॉर हैमर को अपने हाथों में लेते हुए कहता है कि मुझे इसका हैंडल थोड़ा छोटा लग रहा है, जिस पे ब्रॉक कहता है कि ये उसकी गलती के कारण हुआ है। वह बताता है कि वह धौकनी पर काम कर रहा था और उसकी गड़बड़ी से ये सब हुआ है, मगर फिर वह कहता है कि ये कभी भी नहीं टूटेगा और तुम इससे किसी भी चीज को तोड़ सकते हो। थॉर कहता है कि मैंने कई वेपन्स को तोड़ा है, जिस पे ब्रॉक कहता है कि अगर तुम इसे फेंकोगे तो ये सदा ही घूमकर तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। तुम इसके साइज को भी बदल सकते हो। क्षण में ही तुम इसे बड़ा कर सकते हो और छोटा भी, और इसे तुम अपनी शर्ट में छिपा सकते हो। हैमर की खूबियों से प्रसन्न होते हुए थॉर कहता है कि हैंडल का छोटा होना एक आम सी गलती है और ये अब तक का सबसे अच्छा उपहार है जो मुझे मिला है। तभी अपनी हार से डरते हुए लोकी कहता है कि मगर थॉर, सिर्फ के सुंदर बालों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। थॉर लोकी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और हैमर को हवा में उठाते हुए कहता है कि ये उपहार बेहद अच्छा है। फ्रे भी कहता है कि ये हैमर मेरे शिप और बोर से अच्छा है, और ओडिन कहता है कि थॉर का हैमर मेरे स्पीयर और आर्म रिंग से कहीं ज्यादा अच्छा है। फिर वह कहता है कि ये एसगार्ड की रक्षा करेगा और ये हमारी भी रक्षा करेगा। सभी देवता ब्रॉक को उसके उपहारों के लिए शाबाशी देते हैं। फ्रे कहता है कि ये सभी सबसे अच्छे उपहार हैं जो हमें अब तक मिले हैं। ब्रॉक कहता है कि उसे ये सुनकर अच्छा लगा और फिर वह पीछे मुड़कर लोकी की ओर देखता है। वह लोकी को कहता है कि अब मैं तुम्हारा सर काट सकता हूं और ईटरी इसे किसी मूल्यवान चीज में बदल देगा। लोकी अपने फ्लाइंग शूज पहनते हुए ब्रॉक को कहता है कि अब मेरे पास ट्रेजर्स हैं, तो क्या मैं मेरे सर को बचाने के लिए उनमें से कुछ तुम्हें दे सकता हूं। जिस पे ब्रॉक कहता है कि हम सभी को अपने अपने उपहार मिल चुके हैं और मेरा गिफ्ट तुम्हारा सर है। तो लोकी खिड़की से भागते हुए कहता है कि तुम मेरे सर को ले सकते हो, मगर तब जब तुम मुझे पकड़ लोगे। ब्रॉक ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर वह थॉर से मदद मांगता है। थॉर कहता है कि क्यों नहीं, मैं अपने न्यू हैमर का इस्तेमाल अभी करना चाहता हूं, और कुछ समय बाद वह लोकी को पकड़ लाता है। ब्रॉक लोकी को कहता है कि मेरे पास आओ लोकी, मुझे तुम्हारा सर चाहिए। डरते हुए लोकी ओडिन से मदद की गुहार लगाता है। वह कहता है कि अगर ब्रॉक मेरे सर को काटते समय मेरी गर्दन का थोड़ा सा हिस्सा भी छूता है तो वह हमारे एग्रीमेंट की शर्तों के खिलाफ होगा, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ अपना सर देने का वादा किया था। ओडिन ब्रॉक को कहता है कि लोकी सही है, तुम उसकी गर्दन को नहीं काट सकते। जिस पे ब्रॉक कहता है कि मगर मैं उसकी गर्दन को काटे बिना उसके सर को नहीं काट सकता। इस सभी से खुश होते हुए लोकी कहता है कि तो तुमने देख लिया ना, कोई भी लोकी को हराने की जुर्रत नहीं कर सकता, मैं ही सबसे समझदार, चालाक और सुंदर हूं। मगर ब्रॉक ओडिन को कान में कोई बात कहता है, जिसके लिए ओडिन मान जाता है। ओडिन अन्य देवताओं को आदेश देता है कि वह लोकी को पकड़ लें।
लोकी ये सब सुन हैरान हो जाता है और सभी देवता उस पर टूट पड़ते हैं। लोकी उन्हें कहता है कि रुको, मैं सब बता सकता हूं, मगर फ्रे कहता है कि हम और कुछ भी नहीं जानना चाहते। ब्रॉक अपने बैग में से एक सुआ निकाल लेता है और कहता है कि एक लोहार उसके सुए के बिना कुछ भी नहीं है, और वह कहता है कि चलो तुम में कुछ छेद करते हैं। ब्रॉक सुए को लोकी के होठों के ऊपर कितनी ही बार मारता है और फिर एक सुए में धागे को डाल लेता है। थोड़े ही समय में वह लोकी के होठों को सिल देता है। लोकी के लिए ना बोल पाने का दर्द उसके होठों को साथ में सिलने के दर्द से कहीं ज्यादा था। सभी देवता और ब्रॉक ये देखकर खुश हो जाते हैं। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे देवताओं को उनके महान गिफ्ट मिले थे, और ये सब लोकी की गलती थी, और थॉर का हैमर भी लोकी की ही गलती थी। ओरिन हंसते हुए कहता है कि यही तो लोकी की बात है। थॉर कहता है कि हम उसके शुक्रगुजार हैं, भले ही हम उसे नापसंद करते हैं। और यहीं पर हमारी इस कॉमिक बुक इश्यू का अंत हो जाता है। इस कॉमिक के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे लोकी के कहने पर एस्गार्ड के देवता एस्गार्ड के चारों ओर एक महान दीवार को बनाने के लिए एक मास्टर बिल्डर को हायर करते हैं, मगर उसकी मांगें बेहद उच्च थी। और अब दाव पर हैं गॉडेस फ्रेया, द सन एंड द मून, और ऐसा लग रहा है कि देवता उनकी इस शर्त को हार जाएंगे। वी विल फाइंड दैट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। अंटिल देन, वॉच माई अदर वीडियोस, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, आई सैफ, स्टे ब्लेस्ड।